नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर 2022 की आपकी संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही अच्छी ज्ञानशी। दोस्तों, सही कर्म वह नहीं है जिनके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों के ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन रविवार 6 नवंबर 2022, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम के 4:28 रहेगा, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। रेवती नाम का नक्षत्र रात्रि के प्रातःकाल 12:04 रहेगा, उसके उपरांत अश्विनी नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगी। वज्र नाम का शुभ योग रात्रि के 11:49 रहेगा, उसके उपरांत सिद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। दिन के राहु काल के समय की बात करें, अर्थात दिन के अशुभ समय की, यश में आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें, तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 4:19 लेकर शाम के 5:42 तक। और चंद्रमा इस दिन मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार कर जाएंगे। वहीं दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, अर्थात शुभ समय की, तो यह समय रहेगा सुबह के 11:48 लेकर दोपहर के 12:32 तक। दोस्तों, यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं यश में जो ग्रहों की स्थिति है, जो चंद्रमा का गोचर है आपकी राशि पर, आपके दैनिक दिनचर्या पर क्या क्या प्रभाव लिख रहेंगी, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, किन किन क्षेत्रों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। शायद दोस्तों वीडियो के अंत में दिन के बहुत ही अच्छे 3 ऐसे मंत्र देने वाले हैं जो कि आपके जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में अधिकतर समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा, साथ ही दोस्तों सफलता मिलने से मानसिक शांति भी रहेगी। यश में जो समय होगा आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी यश में रहेगा जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक होगा। दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। यश में आपको बता दें कि अपने नजदीक मित्रों व फिर संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, हर किसी बात के बारे में बेवजह चिंता करने की वजह से हर बात में आपको यश में नकारात्मकता ही नजर आ रही है। यदि आप परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं, तो दोस्तों खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी होगा। एक जैसी जीवन शैली रखने की वजह से आपके अंदर उदासीनता पैदा हो रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें, इससे दोस्तों आपके अंदर मानसिक शांति व फिर ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। साथ ही दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर, आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। दोस्तों, यश में नई व्यक्ति से समस्या हो सकती है, साथ ही दोस्तों इनसे बचने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के किसी युवा व्यक्ति की खास प्रगति होगी जिनकी वजह से पूरे परिवार में समाधान प्राप्त होगा।
यश में आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन यह खर्चा आपके मौज मस्ती पर होगा, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों दिन की कुछ समय परिवारों के साथ मनोरंजन व फिर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी मुद्दे पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। दोस्तों यश में सावधानी और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, इससे आप परिस्थितियों को आसानी से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरों के झमेलों में अपना हस्तक्षेप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगी। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से काम में भी आपको यशमय प्रगति और गति दोनों नजर आने वाली है। दोस्तों आप अकेले ही काफी बातों का सामना यशमय कर पाएंगे, जिनकी वजह से आपको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्हीं बातों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। घर के बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी समय आप आलस की वजह से कुछ काम नजरअंदाज ना करें। दोस्तों यश में इनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और दोस्तों यश में अपना आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों परिस्थिति में बार बार बदलाव आने की वजह से निर्णय ले पाना या फिर किसी एक ही निर्णय पर टिके पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको समाधान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी परेशानियां भी यश में रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में काम से संबंधित जिम्मेदारी को किसी के साथ बांटना यश में मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करना आपको पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसके उचित परिणाम भी आपको हासिल होंगे। हालांकि दोस्तों कुछ व्यापारी लोग अपने निजी कार्यों की वजह से कार्य क्षेत्र पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएंगी। दोस्तों व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों यह संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यह समय व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से होते जाएंगे। दोस्तों इसमें मार्केटिंग संबंधी कार्य भी इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में रुका हुआ पेशा भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। कुछ नए अनुबंध भी यश में प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिक स्थिति में यश में सुधार होगा। यश में साझेदारी संबंधी कार्यों में धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों घर के सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में नजदीकी आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजे होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसी तालमेल बना रहेगा, जिनसे दोस्तों यश में आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। घर में अधिक हस्तक्षेप तथा रोक टोक करना पारिवारिक सदस्यों को नाराज कर सकता है। दोस्तों सबको अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में वातावरण सुखद रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों जोड़ों या फिर मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों व्यायाम या फिर योगा के लिए समय आप यह समय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में फालतू जो है जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी इसमें हो सकता है।
इसके साथ ही दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। गैस व फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपना खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों पहला मंत्र माँ लक्ष्मी के लिए। दोस्तों इस मंत्र को आप सप्ताह में 7 दिन जरूर जपिएगा। दोस्तों मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। दूसरा मंत्र है माँ दुर्गा का मंत्र। दोस्तों इस मंत्र को भी आप सप्ताह में 7 दिन जरूर जप कीजिएगा। दोस्तों यह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों यह मंत्र आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने में आपके लिए सहायक शब्द होंगे। दोस्तों तीसरा मंत्र है माँ सरस्वती का श्री सरस्वती मंत्र। दोस्तों इस मंत्र को भी आप सप्ताह में 7 दिन जप कीजिएगा। दोस्तों यह मंत्र है ऐं ऐं श्रीं। दोस्तों यह मंत्र आपको बुद्धि ज्ञान का भंडार बनाएगा। तो दोस्तों जीवन काल में सोचने की शक्ति आपको प्रदान करेगा। तो दोस्तों जरूर ही अपने जीवन काल में इन मंत्रों का उपयोग कीजिएगा। आपका समय बहुत ही शुभ व्यतीत होगा।